हेलो फ्रेंड्स, मैं साहब डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, क्या टॉन्सिल के ऑपरेशन के बाद मेरी आवाज़ में बदलाव आ जाएगा? इज देयर चेंज माई वॉइस आफ्टर द टॉन्सिल सर्जरी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन हमें समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, जैसा आपने देखा, बहुत बार जो एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी या टॉन्सिल के लिए पेशेंट आते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरी होती हैं, बहुत सारे मिथ होते हैं। पेशेंट जो बच्चे की मदर है या जो पेशेंट का अटेंडेंट पूछता है, डॉक्टर साहब सब कहते हैं कि ये ऑपरेशन के बाद मेरे बच्चे की आवाज़ बदल जाएगी। सो दोस्तों, ये हमें अच्छे से देखना है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो सर्जरी है, चाहे एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी हो या खाली टॉन्सिलेक्टोमी हो, ये एंडोस्कोपिक सर्जरी है। इसमें बाहर से कहीं कोई चीर फाड़ टाका पट्टी या दर्द निशान नहीं होता। अंडर एनास्थीसिया इस सर्जरी को किया जाता है। सर्जरी के बाद के अंदर एक दिन पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन रहना होता है। डे आफ्टर टुमारो वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट। घर जाने के बाद के अंदर उसको जो है वो थोड़ा सा पहले लिक्विड्स लेना होता है, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड्स जो है, और अमूमन 3 से 4 दिन के लिए बच्चे को स्कूल से भी छुट्टी करनी पड़ती है। अब दोस्तों, बात यह है कि हम उनको लगता है कि सर्जरी के बाद आवाज़ बदल जाएगी। दोस्तों, अगर हम डायनेमिक्स पे जाएं, तो ये जो एडिनोइड और ये जो टॉन्सिल जो है, ये हमारा जो एयर वे है, ओरोफेरिंग, सांस का रास्ता जो है, उसके अंदर एक ब्लॉकेज का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे आज मैं बोल रहा हूँ या आप बोलोगे, एक अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोल रहे हो, सपोज़ करो आपके माउथ में कुछ एप्पल खा रहे हो या कोई बबल गम है या च्यूइंग गम है, एंड अब आप बोल रहे हो, तो आपकी साउंड अलग होगी। दोनों में डिफरेंस है। अमूमन जब बच्चे जो होते हैं, जिनके टॉन्सिल बड़े होते हैं और एडिनोइड्स होते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है, मफल्ड वॉइस होती है, उनकी नेजल रेजोनेंस नहीं होती। अब क्या होता है, जब इन बच्चों की सर्जरी की जाती है या ऐसे पेशेंट की जब सर्जरी की जाती है, क्योंकि उनका जो अवरोध था वो तो निकल गया, अब उसकी आवाज़ जैसे एक नॉर्मल जो नोज की रेजोनेंस होनी चाहिए, वो उसकी आवाज़ होती है। अब पेशेंट को क्या लगता है कि इसकी तो आवाज़ बदल गई, क्योंकि दोस्तों, जो उसकी आवाज़ जो थी, एक्चुअली जो आवाज़ होनी चाहिए वो तो अब है, लेकिन चूँकि वो इतने साल बच्चे को देखते हो गए, तो उनको लगता है कि उसकी आवाज़ बदल गई। सो एक्चुअली दोस्तों, उसकी जो आवाज़ पहले थी वो ओरिजिनल नहीं थी, क्योंकि उसकी ब्लॉकेज था नोज के अंदर जो है, उस ब्लॉकेज के कारण उनको क्लियर साउंड नहीं आ पाती। इसलिए ये हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि जो टॉन्सिल और एडिनोइड के बाद आवाज़ चली जाएगी या आवाज़ बदल जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक मिथ है जो हमें दिमाग से निकाल, बहुत बार कई सारे मिथ के कारण हम जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, और अल्टीमेटली बच्चे को फिर बाद में जो है वो सफ़र करना होता है। इसलिए ये चीज़ हमारे दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि जो है वो एडिनोटॉन्सिल या टॉन्सिल के ऑपरेशन के बाद आवाज़ कभी नहीं बदलती है, आवाज़ सेम रहती है। यस, बट आपको जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो पोस्ट ऑपरेटिव जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रॉपर हमें फॉलो करना है और अच्छी टेक्निक से हमें सर्जरी कराना है। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस मिथ इज यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग द एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी। थैंक यू।